7 दिन में कमाए हैं पूरे $678। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो और यहाँ पर आज की अर्निंग देखो $72 की है, और यस्टरडे की अगर आप अर्निंग की बात करो तो है $110 की, और दिस मंथ अगर टोटल किया जाए तो $750 की अर्निंग हो चुकी हैं। और अगर आप 7 दिन की अर्निंग को देखा जाए $678, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो करीब कितनी हो रहा है, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो। इस जिसको मैंने भाई डॉलर टू INR में कन्वर्ट किया है, ये हो रही है ₹56,316 सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की अर्निंग। भाई 7 दिन में ₹56,000, तो भाई पूरा जो एक वीक होता है वो 4 वीक, मतलब कि पूरा जो मंथ होता है वो 4 वीक का होता है, तो इसको अगर इंटू 4 कर दिया जाए मान के चलो ₹50,000 7 दिन में कमाएं, तो भाई कितना हो रहा है आप खुद ही बताना, 2 लाख पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब कि हर महीने ₹2 लाख, वो भी कॉपी पेस्ट करके ChatGPT की मदद से। 2024 स्टार्ट हो चुके हैं और भाई ChatGPT का अगर आप यूज करना नहीं सीख पाए 2023 में तो कोई बात नहीं, 2024 में आप ChatGPT को अपने मोबाइल से यूज करके ₹1,00,000 महीने का कमा सकते हो। आप सबसे पहले तो ये चैटिंग से थोड़ा सा आप देख लो, यहाँ पे देखो इसका नाम है पवन यादव, हाय भैया, मैंने बोला हाय ब्रो, और पूरी चैटिंग में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, यहाँ पे नहीं दिखा सकता। सिंपल भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा पेमेंट का, भैया पेमेंट बन रहा है मेरा, बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने बोला ये ब्लॉगिंग से है ना, तो भाई कह रहा हाँ भाई ChatGPT का यूज करके। अब देखो भाई, भाई ने यहाँ पे ChatGPT का सही यूज करके भाई पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, और इसके ऊपर मैंने आज से 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि भाई इसको आप यूज करो, ChatGPT बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, अगर आपने इसको सही तरीके से यूज कर लिया आप महीने के ₹1,00,000 कमा सकते हो। अभी आपको पैसे कमाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ आपके पास है, आप फ्री में विदाउट इन्वेस्टमेंट एक भी रुपये लगाए बिना आप महीने के ₹1,00,000 कमा सकते हो। कैसे, चलो भाई वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। जो लोग कहते हैं ऑनलाइन पैसा नहीं है, उनसे उनके बारे में सोचना ही नहीं है, उनसे दूर हो जाना है, क्योंकि ऑनलाइन जितना पैसा उतना कहीं नहीं है। आप मेरे सामने जो भी अभी इस टाइम पे मैंने सब ऑनलाइन अर्निंग किया है, वो भी 1 रुपया लगाए बिना सब कुछ, वो भी स्मार्टफोन की मदद से। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई एक सब्सक्राइबर है पवन यादव, ये भी भाई मैंने 1 लाख रुपये कमाने लगा, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। अभी हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, तो इसके लिए हम चलते हैं सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पे। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई लैपटॉप के स्क्रीन को हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट जो पूरी दिस मंथ की जो अर्निंग हुई है $750, तो कितनी हुई है $750, मतलब ₹62,000 ऑलरेडी ये अर्न कर चुके हैं, और एक दिन में कितना कमा रहा है $110, मतलब पूरा ₹9,000 पर डे की अर्निंग कर रहा है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, अभी हम बात करते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना है एक वेबसाइट, वेबसाइट कैसे बनाना है फ्री में चलो भाई वो दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक फ्रेश क्रोम को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो फ्रेश क्रोम ओपन करता हूँ। देखो फ्रेश क्रोम से क्या होगा ना, आपको एकदम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, जो आपको कोई नहीं बताता। चलो भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पर भाई देखो मैंने एक अपना क्रोम ओपन कर लिया, मैं यहाँ पर चेक कर लूँ मेरी मेल वगैरह यहाँ पर ओपन है या फिर नहीं है, वरना दिक्कत हो जाएगा मुझे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एक मेल है जो कि ओपन है, ठीक है। अभी देखो आपको जाना है फ्रेश क्रोम पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्लॉगर, ना कि वर्डप्रेस। आपका 1 रुपये नहीं लगने दूंगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अभी आपको सिंपल सर्च करना है ब्लॉगर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एक गूगल का है, गूगल का ही ब्लॉगर एक पार्ट है, और ब्लॉगर खुद कहता है कि आप यहाँ से ₹1,00,000 कमा सकते हो। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना रुपये आप कमा सकते हो। देखो भाई अगर आप जाओगे गूगल एडसेंस पे, ठीक है, गूगल एडसन मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बाद में चलता हूँ, ठीक है। गूगल एडसन चलो पहले ही दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल एडसन पे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी, अगर आप हम लोग कहाँ से एशिया से, ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी जैसे कि फाइनेंस, और अब भाई कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके भाई वेबसाइट पे 50,000 व्यूज आ रहे हैं, कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको, स्किप मत करना। 50,000 व्यूज आ रहे हैं तो आप कमा सकते हो $15,000 महीना। हो $15,000 महीना कितना होता है वो एक बार देख लो, क्योंकि ऐसे चीज़ें आपको कोई नहीं बताता इतना कैलकुलेशन के साथ जितना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। $15,000 करीब ₹12,46,000 गूगल कहता है आप खुद ही कमा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखो 1 लाख व्यूज आ रहे हैं तो आप देखो कितना $35,000 तक कमा सकते हो, ये देख सकते हो भाई। ये यूट्यूब, ये गूगल एडसेंस है जो कि भाई हमें, मुझे पैसे देता है, जितने भी यूट्यूबर सबका वो पैसे देता है, तो ये गलत नहीं बताता, ठीक है।
ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको हम बंद करते हैं। अब आपको क्या करना है वो देखो, आपको जाना है blogger.com पे। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है पहले वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एकदम नया इंटरफेस आएगा, क्रिएट योर ब्लॉग। देखो यहाँ पे लिखा पब्लिश योर पैसन योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग ईजिली। मतलब कि आप ईजिली ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो, ठीक है, और अपना एक मस्त सा ब्लॉग यहाँ से रेडी कर सकते हो। सिंपल आपको क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे आपकी मेल आपके सामने आ जाएगी, सिंपल क्लिक करना उसी से। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर लेना। अब मेरा तो इसमें ऑलरेडी अकाउंट बना है, तो भाई मैं अपना यहाँ पे डेमो अकाउंट लॉक इन कर लेना, क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे पास हर चीज़ के डेमो अकाउंट रहते हैं। तो भाई देखो मैंने जब वीडियो बनाया था तभी मैंने ये डेमो अकाउंट बनाया था। ये देखो भाई ये रहा मेरा डेमो अकाउंट, मैंने तो लॉग इन कर लिया। जब आप लॉग इन करोगे आपके सामने इस टाइप का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, देखो भाई न्यू पोस्ट है, अब यहाँ पर आपको ये डिजाइन कर लेना। जैसे देखो अर्न विद ब्राड आरवंशी यहाँ पे देखो लिख रहा है, आपको आपको ये पूरा डिजाइन कर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सब डेमो वाले यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिजाइन कर लेना बढ़िया से, थीम ही यहाँ से जाके आप बढ़िया सा थीम लगा सकते हो। जैसे कि भाई कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो, ये वाला थीम लगा लो, जैसे भी चाहो वैसा थीम यहाँ पे। जैसे भाई मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो मेरा थीम यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये देख सकते हो प्रीव्यू देखेंगे तो भाई देखो मेरा यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ये देखो भाई मेरा इस टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थीम लगा दिया। आपको भी अपना थीम लगा देना, जैसे भी चाहो लगा लो, ठीक है। अब आपकी ये वेबसाइट रेडी है। अब आता है पोस्ट। अब आपको पोस्ट कैसे करना है, आप कैसे इसमें पोस्ट करोगे, इस टाइप के आर्टिकल कैसे लिखोगे। अब आता है एआई। एआई से आप आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन उसका लिखने का भी एक तरीका है, प्रोसेस है, क्या है चलो दिखाते हैं। अब आपके पास वेबसाइट तो आपकी रेडी है, अब आपको पोस्ट लिखना है। पोस्ट कैसे, कम से कम आपको इसमें 20 पोस्ट लिखना है स्टार्टिंग में, तब आप इससे पैसे कमा पाओगे। कैसे, जैसे कि भाई आपको यहाँ पर जाना है न्यू पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको चाहिए टाइटल और यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल। अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे चलो दिखाते हैं, ठीक है। आपको सॉरी, अब आपको यहाँ पे जाना है, देखो भाई ये टाइटल और यहाँ पे जो पूरा एक आर्टिकल है वो कैसे लिखना है, आपको जाना है यहाँ पे ChatGPT पे। अब आपको ChatGPT का सही यूज करना है। अगर आप ChatGPT का सही यूज करना सीख गए ना, आप एक महीने के कम टाइम में भी पवन यादव जितना अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको ChatGPT पे जाना है। ये देखो भाई मैं ChatGPT पे चला गया। अब देखो ChatGPT के आने के बाद अब आपको यहाँ से एक ऐसा टॉपिक, आपको एक ऐसी निच सेलेक्ट करनी है जिस पे आपको काम करना है। जैसे कि भाई मेरी निच मेक मनी ऑनलाइन, बिजनेस आइडिया या फिर बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट, ऑनलाइन लर्निंग पैसे कैसे कमाएं, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, ये सब। तो मुझे भी अपनी वेबसाइट पर इसी टाइप के आर्टिकल डालने हैं, तो मैं ChatGPT से बोलूँगा पहला आर्टिकल लिखने के लिए कि मुझे 10 बिजनेस आइडिया दीजिए, टॉप 10 बिजनेस आइडिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप 10 बिजनेस आइडिया फॉर मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, 10 वे, राइट अ आर्टिकल। अब मुझे आर्टिकल चाहिए ना, यहाँ पे देखो राइट आर्टिकल, राइट अ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट आर्टिकल टॉप 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, टॉप 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो मैंने लिख दिया राइट आर्टिकल टॉप टेन वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 500 वर्ड्स। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 500 वर्ड पे मुझे एक ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें 10 अर्निंग के तरीके हों। अब मैंने यहाँ पर जैसे किया आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल आ गया, देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं। इन द डिजिटल एज द इंटरनेट हैज ओपन, मतलब पूरा इंग्लिश में एक आर्टिकल हमारा रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल हमारा रेडी हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, वर्चुअल असिस्टेंट, रिमोट, मतलब पूरा एक आर्टिकल हमारा आ गया, ठीक है। अभी आप इसको कॉपी पेस्ट करके सीधे डाल दोगे, आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब अभी आपको क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए, एक हो ये तो आ गया टॉप 10 पे टॉप मनी ऑनलाइन, ये हमारे क्या है टाइटल। अभी इसको यूनिक कैसे बनाओगे आप, अगर आप इसको ऐसे कॉपी करके चेक करोगे प्लैगरिज्म पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरा पूरा इसको कॉपी कर लिया, देखो भाई मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको पूरा पूरा ऐसे कॉपी कर लिया। अगर आप इसको जाओगे सीधे सीधे यहाँ पे जाके ऐसे पब्लिश कर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे आया मैंने इसको पूरा पब्लिश कर दिया, तो ये क्या होगा, ये पकड़ जाएगा और ये गूगल एडसेंस कहेगा ये तो तुमने AI से लिखा है, और आपको क्या होगा एडसेंस की परमिशन नहीं देगा और आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अब क्या करना है, अब देखो अब आता है छेड़छाड़ करना कैसे। देखो भाई अब आपको जाना है एक वेबसाइट जिसका नाम है SpinBot, ठीक है। आपको सिंपल सर्च करना है SpinBot। ये देखो भाई ये आगे SpinBot,
ये ओपन हो रही है। अब आपको सिंपल चैट जीपीटी से लिखे हुए आर्टिकल को ऐसे कॉपी करना है, स्पिन बोर्ड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बेसिक स्पिन कर देना है। जैसे ही आप बेसिक स्पिन करोगे यहाँ पे एकदम रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई बेसिक स्पिन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिडायरेक्ट होकर नया आर्टिकल लिख गया। अब ये तरीका आपको किसने बताया है? बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको ये तरीका बताया अभी तक जो मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे एक मोड़ आ गया। अब भी देखो जितने लोगों ने ये चीज़ देखा होगा वो कह रहे होंगे कि भाई ये तो हमें पता है और भाग के होंगे, और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा। ये देखो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से ये कर दिया, ये बन गया यूनिक आर्टिकल। लेकिन नहीं, अगर इसको भी आप चेक करोगे तो ये कॉपीराइट में आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोग लिख चुके हैं, लोग जाते हैं सेम स्पिन कर देते हैं, बस हो जाता है गलत। अभी आपको सिर्फ चैट जीपीटी पे ही रहना है। अब देखो जैसे ये आर्टिकल आ गया ना, ये देखो भाई, अब आपको यहाँ पे सिंपल आर्टिकल के बाद यहाँ पे लिख देना है राइट आर्टिकल एज अ ह्यूमन, ठीक है। राइट दिस आर्टिकल एज अ ह्यूमन। अब मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये एज अ ह्यूमन ये आर्टिकल रीराइट हो जा रहा है ऑटोमेटिक चैट जीपीटी से ही। आपको स्पिन बोर्ड पे जाने की अभी ज़रूरत ही नहीं है। अब लोग क्या बता रहे हैं आपको कि बस इतना सा आर्टिकल लिखो, कॉपी करो, स्पिन बोर्ड पे जाके पब्लिश कर दो। अब वो पुराना हो गया मेथड, जो मेथड था वो पुराना हो गया, क्योंकि सबको भी पता चल गया, सब लोग कॉपी पेस्ट करने लगे हैं। आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना है राइट दिस आर्टिकल एज अ ह्यूमन। देखो एज अ ह्यूमन लिख गया, अब ठीक है इसको अब लिख देना है मेक दिस आर्टिकल प्लैगरिज्म फ्री, ठीक है। मेक दिस आर्टिकल कॉपीराइट फ्री, ठीक है, कॉपीराइट फ्री। ये देखो भाई ऐसे ही मैंने स्पिन किया, ये आर्टिकल कॉपीराइट फ्री हो गया। यहाँ देख सकते हो एक्सप्लोर 10 एक्साइटिंग वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब देखो ये जो आर्टिकल है कॉपीराइट फ्री ऑटोमेटिक हो गया, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देख सकते हो ये आर्टिकल ऑटोमेटिक सब कुछ रीराइट चैट जीपीटी कर रहे, बस आपको ऑर्डर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने आर्टिकल इसको बताया, ये ऑटोमेटिक कॉपीराइट फ्री हो चुका है। अब आपको इस आर्टिकल को लेना है, ऐसे कॉपी करना है। ये देखो भाई मैंने कॉपी किया, अब आपको जाना है प्लैगरिज्म चेकर पे। सिंपल आपको सर्च करना है प्लैगरिज्म चेकर। ये देखो भाई मैंने सर्च किया प्लैगरिज्म चेकर पे, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल किसी भी पे, जैसे मैं यहाँ पे डुप्ली चेकर पे चला जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई ये कॉपीराइट है या फिर नहीं है। ये देखो भाई मैंने यहाँ पे प्लैगरिज्म चेकर पे जैसे क्लिक किया, ये देखो भाई ये रिडायरेक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अपने आप बताया, अब स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे भाई 70% भी यूनिक है तो ये आर्टिकल 100% सेफ है। अगर भाई 50% से ज़्यादा, जैसे कि भाई 70% यूनिक निकल आया, देखो अभी 12% यहाँ पे यूनिक हो चुका है, मैं यहाँ से इसके एडिट बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखो 12% यूनिक ये आर्टिकल हो चुके हैं ऑलरेडी, और अगर ये भाई 70% प्लस यहाँ यूनिक निकल आया तो ये आर्टिकल 100% पब्लिश करने के लिए सेफ है, कॉपीराइट फ्री है। आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 35% यूनिक हो चुका है, सिर्फ 4% अभी कॉपीराइट निकला है, 20% तक कॉपीराइट निकल ही आता है, कहीं ना आप खुद से भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि 70% प्लस आपका यूनिक आर्टिकल रहे। अगर यहाँ पे 70% यूनिक आर्टिकल नहीं हो रहे तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा छेड़छाड़। फिलहाल तो अभी आपको चेक करना है कि भाई ये कितने परसेंट यूनिक आर्टिकल निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 12% यहाँ पे कॉपीराइट मेरा निकल चुका है, और देख सकते हो 15% हो गया कॉपीराइट और 62% यूनिक निकल चुका है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 85% 69% यूनिक हो गया। अब और थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। 69% ये देखो यूनिक हो गया, 85% हमारे यूनिक हो चुके हैं आर्टिकल, और भाई ये आर्टिकल पब्लिश होने के लिए रेडी है, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ 15% इसमें प्लैगरिज्म निकला हुआ है। उस 15% प्लैगरिज्म को आप खुद से हटा देना, जो भी चेक चेक करके थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ वर्ड कर देना, आपका आर्टिकल ऑटोमेटिक यूनिक हो जाता है। अभी तो ये अभी आप सोच रहे होंगे कि अचानक से वीडियो का टॉपिक कैसे चेंज हो गया, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई वीडियो का टॉपिक चेंज नहीं हुआ है। इस वीडियो में एक छोटा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, जो कि एक ऐसे ब्राउजर का है जिसको आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर आपके पास वो ब्राउजर है तो आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। आपको कभी कभी नीड होती होगी, जैसे कि भाई क्लिक बैंक में आपको नहीं पता कि अमेरिका में कौन सा प्रोडक्ट भाई बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है अमेरिका में या किसी भी
कंट्री में, और आपको पता करना है वहाँ पे क्या चल रहा है। आपको भाई फेसबुक पर डेटा रिसर्च करना है, या फिर आपको यूट्यूब का कंटेंट देखना है, कुछ भी करना है, गूगल पर रिसर्च करना है, अमेरिका की गूगल पर रिसर्च करना है, तो आप ये सब उस ब्राउजर से कर सकते हैं। कैसे? चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने उस ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लिया। आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे, इस ब्राउजर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी आप देखो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखो मेरा ओवीएस स्टूडियो यहाँ पे सिंपल ओपन है। आपको इस ब्राउजर पे जाके अकाउंट बना लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सिंपल जाके प्रोफाइल पे अपना जीमेल डालना है, नाम डालना, सब कुछ डालने के बाद आपके सामने जब आप उसको लॉगिन करोगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। और ये वीडियो एक दो मिनट का है, उसके बाद आपका जो पुराना वीडियो वो चालू हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि जस्ट इमेजन आपको फेसबुक किसी अदर कंट्री में आपको फेसबुक यूज करना है, या फिर आपको गूगल किसी अदर कंट्री में रन करना है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट वगैरह, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पे अकाउंट बना है। मेरा तो यहाँ पे प्रीमियम यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे जाके, आपको जैसे मैं यहाँ ऐड प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे न्यू प्रोफाइल बनाता हूँ अपने, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे मेरी यहाँ पे प्रोफाइल टू, यहाँ पे जैसे वो डेटा सेंटर मैंने लिया है, तो भाई डेटा सेंटर आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप बाई वाले सेक्शन पे जाके आप डेटा सेंटर परचेस कर सकते हैं, जैसे भाई 0.5 $1 1 GB इस टाइप के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। $50 $50 पे मिल रहा है 1 GB का $1, ठीक है। अब जैसे कि आप ऐड प्रोफाइल पे जाएंगे, नई प्रोफाइल पे, जैसे गो लॉगिन, अब मुझे कंट्री यूनाइटेड अरब अमेरिका, जैसे कनाडा, जर्मनी, मैं चाहता हूँ भाई मैं यहाँ पे कुछ और देखते, जैसे मैं मुझे चाहिए यूनाइटेड स्टेट, मैंने यूनाइटेड स्टेट कर दिया। सिंपल मैंने यहाँ पे चेक पे क्लिक कर दी, जैसे मैंने चेक पे क्लिक किया यहाँ पे मेरी प्रोफाइल डन हो गई है। अब देख सकते हो मेरी आई प्रोफाइल डन हो गई। अब भाई मैं वापस इस पे जाऊँगा यहाँ पे बैक टू प्रोफाइल, अब बैक टू प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है, मैं गूगल को रन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई मेरा जो गूगल है वो भाई रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे भाई यहाँ पे देखो आप व्यू पे चलते हैं, व्यू पे आप जाओगे यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मेरा जो गूगल है मेरे एक अलग से ब्राउजर के अंदर मेरे एक ब्राउजर आ चुका है, जहाँ पर यू 100% सेफ है। आप देख सकते हो गूगल के अंदर एक गूगल आ गया। अगर भाई मैं, इसका नाम है गो लॉगिन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाकर ज्वाइन करो। और अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया ब्राउजर है। आपको वैसे भी एक ऐसी ब्राउजर, आजकल सबको एक प्राइवेट ब्राउजर चाहिए होता है, तो भाई ये प्राइवेट ब्राउजर है, वर्ल्ड फेमस है, गो लॉगिन, जाकर इसको ज्वाइन कर लो। क्रिएट प्रोफाइल पे जाके आप इसको फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। जो मैंने चेक किया ना, अभी आप इसमें देख सकते हो भाई, मैं आपको लाइव दिखा दूँ, 15% यूनिक आर्टिकल निकला है। और कॉपी कहाँ पे निकला है, सिर्फ देखो यहाँ पे छोटी छोटी जगह पे कॉपी निकला है, थोड़ा थोड़ा सा, बस हल्का सा, आप देख सकते हो थोड़ी, तो इतना कॉपीराइट बनता है, क्योंकि हर जगह पे आप परफेक्ट नहीं होते हैं, ये एडसेंस को पता है, कहीं ना कहीं से आपका भी दिमाग सेम ही चलता है लोगों से, ठीक है। तो इतना कॉपीराइट चलता है, 15-25% तक नो इशू रहता है। अब आपका ये आर्टिकल पब्लिश होने के लिए रेडी, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल मैंने इसको ऑल पे यहाँ से ऐसे कॉपी किया और मैं आ गया सीधे सीधे। आप देख सकते हो एक एक लाइन, सिर्फ एक एक लाइन यहाँ पे निकली हुई है, मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब आपको जाना है यहाँ पे पोस्ट पे, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको पूरा खाली, ठीक है। ये देखो भाई मैंने इसको पूरा एकदम खाली कर दिया, ठीक है, ये मैंने पूरा खाली कर दिया। अभी मुझे सिंपल क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना जो मैंने लिया, ठीक है। ये देखो भाई मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल ये हमारा पेस्ट हो गया। आपको इसका टाइटल, ठीक है, टाइटल क्या था हमारा, टॉप 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो हम इसका टाइटल ये रहा, टॉप 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये हमने कॉपी किया, टाइटल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये देखो भाई टाइटल ये हो गया, और मैंने सिंपल इसको यहाँ से भाई अपना परमा लिंक वगैरह आप बना दो, जैसे कि भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक परमा लिंक, कस्टम पे जाओगे आप, कस्टम से यहाँ पे परमा लिंक बना सकते हो, मैं ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है, आप जैसे भी करना चाहो, अलाउ का लेवल लगा सकते हो, आप जैसे भी चाहो वैसे लेवल लगा दो। अब अगर आप प्रीव्यू पे जाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है यहाँ पे आपका पेज, ये देखो भाई आपका आर्टिकल इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ से इसका पब्लिश करूँ, आपको ऐसे कम से कम पर डे का 5 पब्लिश करने हैं आर्टिकल। जब आपके यहाँ पे हो जाएंगे टोटल ऑल पे, जैसे मेरे 21 हो गए हैं, लेकिन ये सब डेमो है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिर भी यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक व्यूज है, और देखें यहाँ पे देख सकते हो अभी इस कहीं कहीं ऑटोमेटिक व्यूज आ जाए, क्योंकि कुछ अर्निंग वाले टॉपिक हैं, और गूगल मेरे आर्टिकल को, जबकि मैंने कुछ भी काम नहीं किया इस पर, फिर भी रैंक करा दे रहा है, ठीक है। अब देखो आपको जब यहाँ पे 20-25 आर्टिकल हो जाए आपके, तब आपको क्या करना है, एडसेंस के लिए अपलाउ, आपको जाना है अर्निंग वाले सेक्शन पर, यहाँ पर जाना है गो टू एडसेंस, यहाँ पर गो टू एडसेंस, यहाँ पर आपको जाना है और आपको पब्लिश कर देना, एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना। जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तब आपको मिलता है एडसेंस का अप्रूवल, और फिर आप भी पवन यादव की तरह घर बैठे पैसे कमा सकते हो। इसका सबसे अच्छा रीजन मुझे क्या लगा, ये चैट जीपीटी वाला,
कॉपी पेस्ट मेथड, आपको एक रुपये लगाने की जरूरत नहीं है। जाएगा कि आपका सिर्फ टाइम, आपका पर डे आधा से एक घंटा जाएगा, मैक्सिमम मान के चलो कि आपका दो घंटा भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप भाई अपने स्मार्टफोन के पावर को नज़रअंदाज करो। आप लोग क्या करो, बस स्क्रॉल करके भाई वो क्या टाइम वेस्ट करो भाई, रील्स देखते हो, पबजी खेलते हो। भाई मैं भी देखता हूँ, लेकिन पहले मैं काम करता हूँ। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आप घर के एक मेन बंदे हो जो कुछ कर सकता है फ्यूचर में, लेकिन लोगों को आपसे उम्मीद है और आप फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आप सोचो आपको क्या कहना चाहिए। भाई मैं कहूँगा आपको घर बैठे ट्राई करना चाहिए। आजकल हर बंदा घर बैठे पैसे कमाने का ट्राई कर रहा हो, हर बंदा सक्सेस भी हो रहा है। 100 में से भाई 2 बंदे सक्सेस हो रहे हैं और 90 इसलिए नहीं होते वो ट्राई नहीं करता। अगर हर बंदा ट्राई करे तो हर बंदा सक्सेस हो सकता है, क्योंकि मार्केट भरा पड़ा है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से। ट्राई करो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया बेस्ट मेथड है, एक बार ट्राई जरूर करना, आप बहुत तगड़ा से पैसे कमाओगे। मिलते हैं भाई।